Ya kan habis itu. Sir, थोड़ा सा ये मानसून सर यहाँ थोड़ा लेट आता है हमारे डिफरेंट जो आयाम है डिफरेंट हमारे चलो बेटा चलो चलो निकलो निकलो विद्यालयों के सम्माननीय कुलपतिगण आयम जम्मू के निदेशक महोदय जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे सहयोगी IIT जम्मू के सभी प्राध्यापक IIT जम्मू के सभी विद्यार्थी समारोह में उपस्थित अतिथिगण देवियों सज्जनों तथा मित्रों मैं बात शुरू करूं उसके पहले परसों किश्तवाड़ में जो एक प्राकृतिक आपदा आई जिसमें अनेक परिवारों ने अपने स्वजन और परिजन खोए मैं उन परिवारों के प्रति हृदय से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तमाम कोशिशों के बावजूद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौके पर हैं अनेक लोगों को हम नहीं बचा सके प्रशासन की ओर से इस कठिन परिस्थिति में भी जो कुछ संभव हो वो पूरी संवेदनशीलता के साथ करने की कोशिश की जा रही है वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं NDRF SDRF की टीम मौके पर है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उसमें घायल लोग हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों ये बात हम सबको मालूम है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है फिर भी एक संवेदनशील प्रशासन के नाते जो संभव है वो किया जा रहा है डॉक्टर मोहित गेरा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2021 का कार्यक्रम IIT जम्मू में रखा और उसके बारे में मुझे जानकारी दी मुझे लगा यह बहुत ही सकारात्मक कदम है और आपके बीच उपस्थित होकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है प्रसन्नता का एहसास हो रहा है एक तो इस IIT कैंपस में आना मैं समझता हूँ कि ये भी एक सुखद संयोग है एक कौतूहल सा था थ्री IIT कैंपस जनरेशन 3 ये कैसे परिवर्तित हो रहा होगा और दूसरा कोविड पैंडमिक के बाद जो हमारे विद्यार्थी किस प्रकार से इनोवेशन कर रहे होंगे अपने आप को पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लिए कैसे तैयार अपने को कर रहे होंगे ये तमाम प्रश्न मन में उठ रहे थे मैंने सोचा कल इंटरनेशनल टाइगर डे था और आज के ही दिन 30 जुलाई 1909 को राइट ब्रदर्स ने आर्मी के लिए पहला एरोप्लेन बनाया था इसलिए प्रकृति और विज्ञान के मिले जुले स्वरूप के बीच आज ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2021 की मैं मानता हूँ कि अच्छी और श्रावण मास में मंगलमय शुरुआत हो रही है प्रकृति की धन संपदा उतनी ही कम होती जा रही है लेकिन अगर हमारा प्राकृतिक तंत्र हमारी इकोलॉजी कमजोर पड़ती रहे तो शायद विज्ञान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को खतरा पैदा हो सकता है और
और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोशिश शुरू की है डॉक्टर मोहित गेरा और उनकी टीम ने, ये जो परिवर्तन हो रहा है इसे कैसे रोका जाए। इकोलॉजी को पुनर्जीवित करने के लिए आज से अधिक तत्काल आवश्यकता कभी नहीं रही हो। ऐसा नहीं है कि पहले प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई, इतिहासों में ये बात दर्ज है कि 1841 में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, 1893 में 52 घंटे लगातार बारिश की वजह से झेलम ने श्रीनगर शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। और इसलिए प्रकृति को डिफाइन करने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल बहुधा किया जाता है, संसाधन और खतरा। और जब प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन होता है तो उसके साथ मानव जाति के अस्तित्व के लिए अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रकृति के पोषण के लिए निरंतर पूरा समाज सजग रहे, इसकी नितांत आवश्यकता है।